भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और कप्तान विराट की सेना को बल्लेबाजी का न्योता दिया। हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत काफी अच्छी रही और 50 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप टीम इंडिया को मिली, लेकिन इसके बाद शिखर धवन के आउट होने के बाद केएल राहुल से काफी ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन केएल राहुल भी अपना विकेट थ्रो कर चलते बने। पिछले मैच के हीरो रहे क्रिस वोक्स ने राहुल का विकेट लिया और राहुल को एक शानदार इन स्विगर डाली, जिसके बाद राहुल उस गेंद को समझ नहीं पाए और अपना विकेट गवा बैठे। राहुल के पैड पर गेंद लगी और क्रिस वोक्स ने LBW की अपील की। LBW के बाद अंपायर ने आउट करार दिया। हालांकि रिव्यू जरूर लिया गया, लेकिन वो रिव्यू टीम इंडिया का लॉस्ट हो गया, क्योंकि यहां पर बैट से कहीं पर भी गेंद नहीं लगी थी और केएल राहुल को पवेलियन की राह पर जाना पड़ा। हालांकि टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत मिलने के बाद 3 बड़े झटके लगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया यहां से संभल पाती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।